अगर यार थोड़ा सा इसमें धुंधलापन दिख रहा हो तो तू मैनेज कर लेना। कल रात में ही वीडियो बनाने वाला था इस पे, लेकिन यार अपने रिवीजन के चक्कर में थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि यार पता नहीं मैंने क्या तैयारी करी हुई है, सिर्फ वीडियो बनाने में ही लग गया क्या? फोकस अलग हट जाता है ना, तो आपके पास जो चीजें होती हैं उस पर भी आप डाउट करने लग जाते हो। अच्छा तो तुम अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना यार, तुम्हें पूरे कंप्लीट कंटेंट मिले हुए हैं, ठीक है? और जो भी इनकम्प्लीशन है हल्का मल्का, तो तुम्हें सिलेबस में बहुत अच्छे से डिटेल किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो करा हुआ था अच्छे से उसे देख लेना, याद करके जाना। 6 नंबर के तो उसमें से पक्के ही पक्के आ जाने वाले हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलो आओ, इसमें बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और मॉडर्न टेक्स इन इंडियन आर्ट 10 नंबर कंटेंट करेंगे, ठीक है? 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे नेशनल फ्लैग या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्ट से। क्यों कह रहा हूँ, पिछले बार कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्ट मतलब पिछले बार बहुत सारे बार आए हुए हैं, इस बार के सैंपल पेपर में भी है, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर नेशनल फ्लैग आ चुका है, ठीक है? और पिछले बार में भी आता रहा है, तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं, माइट बी, और मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार भी आए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखो, आओ पढ़ना शुरू करते हैं। बातें बिल्कुल ही ना के बराबर होंगी, थोड़ा रोबोटिक मूड में रहूंगा। मॉडर्न टेंस इन इंडियन आर्ट में पांच 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 पेंटिंग्स, पांच ग्राफिक्स, पांच स्कल्पचर्स, तीनों वैरायटी के स्टूडेंट्स को पढ़ने, जिन्होंने जो भी लिया हुआ हो, ठीक है? आओ देखो यार, फ्लैग कि एक्सप्लेनेशन में 6 नंबर का चूंकि रहेगा तो थोड़ा अलग भी लिखना होगा, तो लिख सकते हो कि फ्लैग इज अ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है? कोई भी सरकार आए जाए लेकिन नेशनल आइडेंटिटी के रूप में फ्लैग रहना ही रहना है। अपने देश में जो फ्लैग का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो यार तीन पड़ाव देखें, 1906 में, 1921 में और 1947 में। डेट थी पहली वाली की 7 अगस्त, दूसरी बार का डेट क्लियर नहीं है, बस जिक्र है कि कांग्रेस के विजयवाड़ा सेशन में उसको होस्ट किया गया था, और थर्ड बार 22 जुलाई को, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, यानी अपने आजादी से पहले ही उसको तिरंगा तैयार था और उसको फहरा दिया हुआ था। पहले वाला जो तिरंगा था, सॉरी, पहले वाला जो अपना झंडा था, तिरंगा तो लास्ट में नाम पड़ा, पहले वाला जो झंडा था उसमें 3 रंग थे। सबसे ऊपर था 8 लोटस, बीच में था ग्रीन, बीच में जो पीला कलर था, ठीक है, वो उसपे मतलब डीप ब्लू कलर में लिखा हुआ था वंदे मातरम, और सबसे नीचे था रेड, ठीक है? और उसमें लेफ्ट साइड में व्हाइट कलर का सूरज बना हुआ था, और राइट साइड में क्रिसेंट मून, यानी हाफ मून और स्टार बना हुआ था, वो मुस्लिम रिलीजियस बिलीफ को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड वाला जो झंडा था उसमें रेड और ग्रीन थे, रेड हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा था मुस्लिम्स को, ठीक है? और बीच में एक चरखा था जो कि क्रांतिकारियों को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है? तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया नाम का यूथ था, ठीक है, वहीं साउथ से ही, उसने गांधी जी के सामने ये प्रपोज करा हुआ था। गांधी जी को बहुत भाया, लेकिन उन्हें कुछ चेंजेस करने को कहे, कहा कि इसमें व्हाइट व्हाइट कलर भी इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, ट्रूथ और शांति का प्रतीक रहेगा, और वो जो तुमने सिंबल बनाया हुआ है चरखे का और उसे क्रांतिकारी बताया हुआ है, उसका थीम तुम चेंज करो, वो रहेगा नेशनल प्रोग्रेस का प्रतीक, ठीक है? थर्ड वाला जो अब तक चला आ रहा है तुम्हें पता ही है, सबसे ऊपर सेफ्रॉन है, ठीक है, केसरिया कलर, बीच में व्हाइट है चरखे के साथ में, चरखे में 24 तीलियां होती हैं, अशोक चक्र से ये लिया हुआ है, और सबसे नीचे वाला ग्रीन है। क्या रिप्रेजेंट करता है तीनों कलर, तो तुम्हें एक गाना पता ही होगा, मतलब हरा रंग हरियाली का, सफेद रंग सच्चाई का, केसरिया बल भरने वाला, वीरों के अभिमान का और वीरों के त्याग का, ठीक है, बलिदान का। तो इन सारी चीजों को, बहुत सारे अगर 2-3 पॉइंट्स लिखने होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। जैसे सबसे ऊपर वाला सेफ्रॉन किस चीज को इंडिकेट करता है, तो करेज को, ठीक है, सेक्रीफाइस को, सेल्फलेसनेस को, तीनों का मीनिंग तुम्हें पता होगा आई थिंक। सेकेंड वाला व्हाइट कलर पीस एंड ट्रूथ को, ट्रूथ एंड पीस को, और थर्ड वाला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक है, समझ में आया? तो ये तीनों चीजें थी। अब कुछ एडिशनल क्या चीज लिखोगे कि अपने झंडे का जो रेशियो लेंथ वर्सेस और ब्रेथ, ये जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो उसका साइज रेशियो उसको शॉर्ट में लिख सकते हो कि 3:2। इसके अलावा और कुछ एडिशनल डाटा लिख सकते हो कि बीच वाला जो व्हील चक्र है, तुम्हें तो बता ही दिया, जो व्हील चक्र है वो उसकी जो तीलियां है वो व्हाइट कलर की है, ठीक है, और डीप कलर का सर्कलिंग है, डीप ब्लू कलर का डायमीटर, यार उसका अप्रोक्स जो बीच का ये है, ठीक है,
उसका डायमीटर वही है उसी का लेंथ, और ये अशोक स्तंभ से जो कि राजा अशोक के पिलर से लिया हुआ था, अशोक स्तंभ से ये चीज लिया हुआ है कंसेप्ट। तो हमारा नेशनल फ्लैग का कंसेप्ट खत्म होता है। दीज थिंग्स आर एनफ, मोर देन एनफ, तुम्हारे आराम से 200 वर्ड्स पहुंच जाएंगे जो कि वर्ड लिमिट होता है। सेकेंड चीज आओ बंगाल स्कूल का देखते हैं, तो इसकी कम पॉसिबिलिटी, इसको अपन लोग शॉर्ट में देखेंगे तो उसका अलग किताब से देता हूँ कि टुवार्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ मुगम्मद, ठीक है, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स अंडर द ब्रिटिश एम्पायर्स एट इट्स पीक इन इंडिया। तो उस टाइम यार देखो कि मुगल जो पेंटिंग्स थी वो डिक्लिनेशन की तरफ थी, और ब्रिटिश एम्पायर मतलब 18th सेंचुरी के लास्ट में वो बिल्कुल पीक पे था। तो प्रिंसिपल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, तो प्रिंसिपल ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट जिनका नाम था EB, वो कलकत्ता में ट्रांसफर हो गए, और जहां पे दो ग्रेट इंडियन आर्टिस्ट से मिले, ये नाम बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बंगाल पेंटिंग बहुत बहुत फेमस पेंटर्स हैं, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड गगनेन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यात्रा 67 की उम्र में उन्होंने की हुई थी, तो तुम्हें कुछ जिक्र कर सकते हो, पेंटिंग शुरू की थी, ठीक है, और ये वर्सेटाइल पर्सन थे, मतलब तुम्हें पता है पॉइंट पॉइंट वगैरह सब कुछ थे। दीज आर द 3 पर्सन सेड टू बी द पर्सन बिहाइंड द राइज ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के राइज में ये तीनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई हुई थी, ठीक है, कौन कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, और वो जो प्रिंसिपल थे ईबी, ठीक है, मिस्टर ईबी, जिनका ट्रांसफर हुआ था चेन्नई से कोलकाता। अच्छा, तो फिर बाद में नंदलाल बोस, असित कुमार और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे लोग, इसमें अमृता शेरगिल एक बहुत अहम नाम है, तो ये लोग अपने अपने, ठीक है, कारनामों से बहुत इसमें कंट्रीब्यूट किए। चलो इतना काफी है। उसके बाद में फीचर्स, इसके फीचर्स क्या हैं, तो इसके अहम फीचर्स 5-7 मैं पॉइंट्स बताता हूँ। कम मॉडर्न पेंसिल, नॉट इन मॉडर्न पेंसिल इन एट मैन वेयर गो, अच्छा ठीक है, 6 पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। तो पहला यह था बंगाल का, बंगाल स्कूल का मेन फीचर्स कि यार इसकी जो पेंटिंग थी ये कल्चरल, ठीक है, कल्चरल चीजों से रिलेटेड बहुत थी, क्योंकि इसको अपने कल्चरल हिस्ट्रीज को लोगों के सामने बहुत अच्छे से प्रदर्शित करना था, जिससे कि लोगों का अपने कल्चर पे ज्यादा विश्वास भरे वेस्टर्न चीजों को, ठीक है, आंख बंद करके कम विश्वास करें। सेकेंड वाला था बंगाल पेंटर्स ने अजंता की पेंटिंग से काफी कुछ लिया था, ठीक है, और मुगल और राजस्थानी पेंटिंग्स की भी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई देती थी। थर्ड पेंटिंग समझ में आता है कि एक जैपनीज टेक्निक हुआ करती थी वॉश, ठीक है, वॉश टेक्निक, और तो ये वॉश टेक्निक तो जैसे इसका एक हॉलमार्क बन गया था थप्पा, कि हर एक पेंटिंग में लगभग लगभग उसका प्रभाव तुम्हें दिखेगा। फोर्थ पॉइंट बनता है कि फिगर्स बहुत सॉफ्ट टाइप के हैं, यानी ज्यादा उसमें हार्डनेस नहीं है, ज्यादा और डीप कलर नहीं है। और पांचवा चीज तुम्हें समझ में आएगा कि यार इस स्कूल में तुम्हें रोमांटिसिज्म या फिर ज्यादा ब्यूटी की तरफ फोकस ही थोड़ा कम दिखेगा, नेशनल में कंट्रीब्यूशन इनके पेंटिंग्स में ज्यादा दिखाई दे रहा था, तो वो चीज रिलेटेड हुआ करती थी कुछ हिस्टोरिकल सीन से, ठीक है, इंडियन लैंडस्केप से, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन्स के पोर्ट्रेट से, ये चीज। और तुम्हें सबसे लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, मूविंग अवे फ्रॉम ऑयल पेंटिंग सब्जेक्ट्स लाइक पॉपुलर विद बोथ ब्रिटिश एंड इंटेलिजेंट, अच्छा, और ये ऑयल पेंटिंग में इनकी जो पेंटिंग्स थी वो जरा कम थी, ठीक है, क्योंकि ये लोग वॉश टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, और ब्रिटिश इंटेलिजेंसिया या फिर इंडियन इंटेलिजेंसिया, इंडिया के जो बहुत अपने, तुम समझ रहे हो कि मतलब इंटेलिजेंट लोग कहो या फिर इंटेलिजेंस, तो उन सारी चीजों को मतलब ज्यादा सब्जेक्ट के रूप में बना के ये किया जा रहा था, उसमें डिपिक्ट किया जा रहा था इनके पेंटिंग्स में, ठीक है। तो फीचर्स भी खत्म हो गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन फ्रीडम मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट। तो कुछ नाम्स इसमें जरूर ध्यान रखना ताकि तुम्हारे आंसर का वैल्यू ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था
बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का, यार ये द कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वाज ग्रेट टुवर्ड्स द नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया. ठीक है, आर्टिस्ट ऑफ द बंगाल स्कूल पेंटेड एंड इलस्ट्रेटेड माइथोलॉजी एंड हेरिटेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो भारत के यार कल्चर को इन्होंने बहुत ज्यादा उसमें अपने कलाओं में प्रदर्शित किया. ठीक है, ग्रेट हिस्ट्रीज को द एफर्ट क्रिएटेड वेव. तो यार इनके इस एफर्ट से मतलब देशभक्ति की भावना लोगों में जागृत हुई और अंधा धुन जो ब्रिटिश की कॉपी कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश कल्चर्स की, वेस्टर्न कल्चर्स की, उनमें कमी आई. लोग अपने इंडियन कल्चर्स को वैल्यू देना शुरू किए. अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, कानू देसाई, इन सब ने बहुत इसमें जी जान लगाई. महात्मा गांधी नंदलाल बोस से शांति निकेतन में मिले और बहुत ही उनसे इफेक्टेड हुए. तो गांधी जी ने बहुत सारे जगहों पर नंदलाल बोस को बुलाया, इनवाइट किया कि तुम यहाँ पर आके कुछ एग्जीबिशन, ठीक है, आप लगाओ जिसके वजह से लोगों में कुछ चेंजेस आए. ठीक है, मतलब आर्ट की एग्जीबिशन लगाओ, प्रदर्शनी लगाओ. तो गांधी जी के रिक्वेस्ट पे नंदलाल बोस वेस्ट बंगाल के हरिपुर में जो हुआ था एग्जीबिशन वहां पे भी गए, लखनऊ सेशन में 1930 में भी गए, ठीक है, और फिर फैजपुर कांग्रेस सेशन में जो कि 1937 में हुआ था वहां पे भी टाउनशिप को सजाए. कि व्हाट फिर उसके बाद व्हाट नंदलाल हैज डन नॉट ओनली प्लीज्ड गांधी जी. तो नंदलाल जो ये काम कर रहे थे यार और जो एग्जीबिशन लगा रहे थे उसमें जिस जिस तरह की पेंटिंग्स वो प्रोड्यूस कर रहे थे यार, उससे सिर्फ और सिर्फ गांधी जी प्रभावित नहीं हो रहे थे, उसके अलावा बहुत उसका इम्पैक्ट बहुत लोगों पे पड़ रहा था. ठीक है, 400 पेंटिंग्स यार लगभग इन सारे को मिला के उन्होंने प्रोड्यूस करी थी नंदलाल बोस ने. तो जिसमें यार 100 तो खुद नंदलाल ने करी थी और बाकी सब कॉपी किए हुए थे. ठीक है, मतलब दूसरे पेंटर्स को टास्क दे दिया जाता है, अच्छा तुम कॉपी करो. तो टोटल 400, ठीक है, पेंटिंग्स प्रोड्यूस थी. देर वर डन विद ग्रेट जेस्ट इन अ एनिमेटेड फ्री फ्लोइंग स्टाइल और द पेंटिंग शोड फॉर्मर. और पेंटिंग्स में क्या दिखा रहे थे आखिर, की प्रश्न कि लोग का उसे कनेक्ट जुड़ाव हो रहा था, इफेक्ट पड़ रहा था. तो यार मतलब डेली लाइफ की चीजें और बिल्कुल लाइव चीजें दिखाने की कोशिश कर रही थी. ठीक है, रियलिस्टिक चीजें जैसे फार्मर कॉबलर, जैसे किसान को दिखाया, मोची को दिखाया, टेलर को दिखाया, कारपेंटर बड़े को दिखाया, अ मदर बाथिंग हर चाइल्ड, नहला रही है माता अपने बच्चों को वो दिखा रहा है, डांसर्स ड्रमर, मतलब समाज के हर एक तबके के लोगों को रिप्रेजेंट किया हुआ था. डेली एक्टिविटीज कुछ लोग कर रहे हैं उसको, मतलब वे ऑफ लाइफ को इसमें रिप्रेजेंट किया गया था. द कलर्स इन दिस वर्क्स आर बैलेंस्ड ब्यूटिफुली, तो जो कलर का बहुत ध्यान रखा हुआ है. अवनींद्रनाथ टैगोर पोर्ट्रेट सॉलिटरी फिगर्स वेटलेसली फ्लोटिंग ऑन द मिस्टी अनडिफाइंड स्पेस, देयर ड्रीमी एक्सप्रेशंस एंड कर्व्ड कंटूर्स डिस्प्लेड हिज रिजेक्शन ऑफ द यूरोपियन मोड. तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने वेस्टर्न कल्चर से कम इन्फ्लुएंस होकर के अपने पेंटिंग्स को ज्यादा इंडिजीनस रखा हुआ था. ही पेंटेड भारत माता इन 1905. तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता का चित्र 1905 में बनाया और वो भारत माता का चित्र जो है उनके पीछे हेलो था. हेलो यानी कि गोल कलर का एक स्ट्रक्चर था जो कि जैसे एनलाइटमेंट को प्रोड्यूस कर रहा था. ठीक है, मतलब सिंबलाइज कर रहा था. और उनके हाथ में अच्छा ठीक है स्किप कर दी होगी अच्छा है. तो दिस इमेज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी स्पेशल डाइटी, तो कोई एक विशेष देवी देवी की ये प्रतिमा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये आइकन इंडियन नेशन में बिल्कुल दिलो दिमाग में बस गई लोगों के. ठीक है, अनदर वंडरफुली पेंटिंग जो थी भारत माता की वो पूर्ण घोष ने बनाई थी और अमृता शेरगिल फिर अमृता शेरगिल ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था. कि अमृता शेरगिल वॉन एक्लेम थ्रू आउट इंडिया विच रिवाइव द ट्रेडिशनल कल्चर द कैरिकेचर, मतलब कि यार जो एक कॉमिकल वे में कॉमिक्स के रूप में अलग अलग चित्र को किसी मूवमेंट को
ठीक है, किसी एक इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है। तो गगनेंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको उसका एक कैरिकेचर ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो इसके वजह से लोगों के दिमाग में वो चीज दोबारा से ताजा हो गई, लोगों के अंदर फिर नेशनल मूवमेंट को लेकर, मतलब बहुत अलग अलग टाइम पे ये लोग जैसे लोगों में जोश भर रहे थे, ठीक है। ऑल दिस हेल्प पीपल रिगेन देयर नेशनल आइडेंटिटी, तो लोग अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे, ठीक है, नेशनल मूवमेंट से, और दे गेव अ बूस्ट टू द नेशनल स्वदेशी मूवमेंट फॉर फ्रीडम। तो फाइनली कि इन सारे चीजों, इन सारे प्रयासों से कि बूस्ट मिली, नेशनल जो मूवमेंट हो रही थी, आंदोलन चल रहा था। दिस कलर द कलर्स इन दिस वर्क्स वर बैलेंस्ड ब्यूटिफुली, तो इन सारे पेंटिंग्स में जो कलर्स होते थे वो बहुत ब्यूटिफुली पेंटेड होते थे। अब अपन लोगों को कुछ, अच्छा इसी के अंदर एक टाइलर ऑफ द सॉयल नंदलाल बोस की पेंटिंग है। तो टाइलर ऑफ द सॉयल में क्या लिखा हुआ है, एक किसान है, ठीक है, जो कि, और ये नंदलाल बोस को तुम भूले ही नहीं ना, इन्हीं को गांधी जी बुला रहे थे हर एक चीज में, तो इस चीज को तुम अच्छे से ध्यान में भी रख लो। तो टाइलर ऑफ द सॉयल में इन्होंने दिखाया कि किसान है जो कि बड़े ही अंतरात्मा से लीन होकर के और अपने खेतों को जोत रहा है। टाइलिंग का मतलब होता है जोतना, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके फेस पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है और अपने काम के प्रति बहुत ही कर्तव्य निष्ठा नजर आ रही है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, मुझे ग्रेन प्रोड्यूस करना है लोगों के लिए। तो लगभग यही चीजें हैं। उसके बाद में कुछ और कहोगे तो इसका जो मेन फीचर है, तो द साइलेंट डिवोशन ऑफ द फार्मर क्लियरली डिस्क्राइब्स एंजाइटी ऑफ कैरिंग ग्रेन्स अप टू द ईच, तो वही उसका जो शांति भाव लग रहा है कि एक उसका समर्पण दिखा रहा है कि ईच नागरिक तक उसे ग्रेन अनाज पहुंचाना है, डिस्पाइट बीइंग इन हाफ नेकेडनेस, यार अपने बॉडी पे ही बहुत कम कपड़ों के बावजूद ही, बावजूद वो तपती धूप में, ठीक है, बिल्कुल केयर फ्री होकर के अपना काम कर रहा है। इन द इंटायर पेंटिंग एप्लीकेशन ऑफ येलोइश एंड ब्लू, तो थोड़ा सा सन का है, तो इसी से याद रख सकते हो कि येलो कलर का उसमें ये किया हुआ है, और चूंकि खेत का सीन है तो ब्राउन कलर का इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है। बस ये, और पूरा शॉर्ट में बताया जाए तो वो खेत को जोत रहा होता है, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में अब इन पेंटिंग्स को पढ़ते हैं, जर्नीज एंड रासलीला राधिका मेघदूत। तो जर्नीज एंड में क्या दिखाया हुआ है कि इसमें कैमल है, कैमल का पिक्चर है, और कैमल अपने, ठीक है, पीठ पे बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बोझ लादे हुए है, तो जिससे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नेशनल मूवमेंट में इन सारी चीज कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना, कि यार जैसे कि कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से मतलब किसी भी गरीब जनता को कैसे एक्स्ट्रा काम उनसे करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं। और उस पेंटिंग की खास बात अगर कहा जाए तो यार आगे से वो झुक गया है, नीचे से आंख हल्का खुला हुआ है, जो कि उसके कष्ट को दिखा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि पीछे का उसका पैर खड़ा है। मैं कैसे बताऊं यार तुम्हें, पिछले वाला पैर खड़ा है, आगे वाला पैर झुक के वो झुका हुआ है, ठीक है, मतलब नीचे। तो वो चीज क्या शो कर रहा है कि फिर भी वो हार नहीं मान रहा है, वो अपने मालिक का कहा करने के लिए अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा है। तो इसमें शोषण चीज को डिपिक्ट करा हुआ है, ठीक है। रासलीला में यार ये तुम गीत गोविंद से ये प्रसंग लिया हुआ है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, कभी 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएगा एक एक नंबर का, तो उसमें से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। रासलीला क्षितिजनाथ मजूमदार ने जो किया हुआ है तो वो गीत गोविंद से लिया हुआ है, ठीक है, और उसमें सारे जो लोग हैं वो अपने मस्त जॉयफुल मूड में नजर आ रहे हैं, ठीक है, हैप्पी हैप्पी, ये चीज हुआ। राधिका में MAR चुगतई, MAR मतलब मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई, तो इन्होंने राधिका का पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें दो अपर पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, दो तरीके का पेंटिंग है, तो दोनों में राधिका के फेस पे यार एक कृष्ण से दूर होने का जो दुख है वो देखा जा सकता है।
दोनों बहुत ही सादगी भरी पेंटिंग्स हैं, और पहले वाले ऊपर वाले तुम्हें पेंटिंग में बैकग्राउंड में पेड़ दिखाई देगा, और नीचे वाले पेंटिंग में, ठीक है, पेंटिंग के लेफ्ट साइड में, पेंटिंग के लेफ्ट साइड में या फिर जिस जो पिक्चर है उनके राइट साइड में एक लैंप, जलता हुआ लैंप दिखाई देगा, जो कि मुगलिया प्रभाव को, मुगल टाइप की पेंटिंग में भी ऐसा होता था, वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस थिंग्स आर, ठीक है, मतलब शॉर्ट में अपन चल रहे हैं। और मेघदूत, मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय, तो मेघदूत में क्या है कि इसमें प्रकृति और इंसान के रिलेशन को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करा हुआ है। तो इसमें एक इंसान बैठा हुआ है और काले काले बादल ऊपर छाए हुए हैं, और ठीक है, इन द पेंटिंग द प्रोटैगोनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर हु इज वेरी मच वेल विद द सेपरेशन फ्रॉम हिज फीमेल कैरेक्टर। ही रिप्रेजेंट्स द पैंग ऑफ सेपरेशन थ्रू द फ्लोटिंग क्लाउड्स इन द, अच्छा और क्या है इसमें, कलर तुम कहोगे तो पिंक, ग्रीन, रेड, ब्लू और पर्पल कलर का इस्तेमाल हुआ है। और जो पेंटर है, मतलब जो जिसको डिपिक्ट करा हुआ है उसके अंदर, वो नीचे की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पे, मतलब उसके ओठ में, उसके होठों पे और उसके आंखों में एक अजीब तरीके की कसम चमक देखी जा सकती है। बहुत जल्दी जल्दी अपन लोगों को करना है। सराउंडिंग एरिया फीमेल कैरेक्टर को जरा सिंबलाइज कर रहा है, मतलब भी बड़ा कोमल, बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही अट्रैक्टिव है। कलर ट्रीटमेंट ओवरऑल जो कहा जाएगा वो कूल और वार्म का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और बहुत ही अट्रैक्टिव वो ड्राइंग है। ओके, दैट इज इनफ। अब मेघदूत करते हैं, मेघदूत तो हो ही गया, ठीक है। अब मॉडर्न टेंस इन इंडिया, इसके पांचों पांचों के बाद पहले पढ़ लेते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय, प्राइड ऑफ ओशन, तो राजा रवि वर्मा इन्होंने पेंट किया हुआ था। राजा रवि वर्मा साउथ से थे। ये राम वेंकटेशन द प्राइड ऑफ ओशन, ये रामायण के एक प्रसंग से लिया हुआ है, ठीक है, जब राम जी सीता जी को खोजने जाते हैं और उस टाइम उन्हें ब्रिज बनाना होता है समुद्र पे, तो वरुण देवता बीच में आ जाते हैं, वो नहीं करने देते, तो उसमें वो बिल्कुल थोड़े से क्रोध में आ जाते हैं और बाण निकाल लेते हैं, तो उसके लिए फिर उसके बाद में, मतलब वरुण देवता फिर उन्हें वो राजी हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज को, इस यही चीज को दिखाया हुआ है। पेंटिंग की बात करें तो उसमें क्या विशेषता है कि यार, अच्छा, द फिगर्स राइज फ्रॉम द वाटर एनर्जाइज बाय द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, तो जो पानी का बहाव है बहुत ऊपर, तो व्हाइट व्हाइट दिखता है ना समुद्र के किनारे, तो वो चीज दिखाई दे रही है पेंटिंग में। बैलेंसिंग द पिरामिड लाइक हिज वेरी स्टेंस एंड फ्लटरिंग गार्मेंट्स सजेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड फ्रॉम द ओशन, तो राम जी ने जो उनके गार्मेंट्स हैं वो जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बह रहे हैं, तो वो चीज दर्शा रहा है कि समुद्र के किनारे जो हवा चलती रहती है बहुत, उस चीज को, ठीक है। अपन लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट में चल रहे हैं, तो ओवरऑल आइडिया मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कहीं नोट्स आए तो एक बार कहीं से पढ़ लेना। मदर एंड चाइल्ड, ये जामिनी रॉय ने बनाई हुई है, मदर एंड चाइल्ड, तो मदर एंड, अब ये देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, जामिनी रॉय तुम्हें लग रहा होगा लड़की है, लेकिन नो, दिस इज अ मेल फिगर। फिर अमृता शेरगिल तो है ही, एम एफ हुसैन जानते हो, ठीक है, ओके, तो ये जो मदर एंड चाइल्ड है, ठीक है, ये मेल फिगर है, तो मदर और चाइल्ड में मदर को पूरे बदन को साड़ी से ढका हुआ दिखाया हुआ है और चाइल्ड को पूरा फुल नेकेड दिखाया हुआ है। दोनों मदर एंड चाइल्ड, मदर मदर जो है वो थोड़ा डांसिंग पोज में है और एक साइड से चाइल्ड को लिए हुए है हाथ में, दोनों की आंखें, ठीक है, जो है सेम टू सेम बनाई हुई है, मतलब सेम सेम, और चाइल्ड का जो आईब्रो है थोड़ा मोटा है, ठीक है। फिर हल्दी ग्राइंडर्स, हल्दी ग्राइंडर्स में यार तीन फीमेल्स हैं, हल्दी कूट रही हैं, और तीनों का जो साड़ी का कलर है, एक वाइट, एक रेड है, ठीक है, एक बार देखता हूँ, कंफर्म करता हूँ, एक रेड है, एक येलो है, और
वन सेकेंड, खुद ही तो रिविजन करना है यार अभी। सॉरी गाइस अनहर्ड नो चिल्ड्रेन मदर टेरेसा राधिका हल्दी ग्राइंडर्स तो मेरे टैब में है ना। हाँ तो उसमें ठीक है येलो व्हाइट और रेड साड़ीज में दिखाई दे रही है तीनों जन। ठीक है जो बैकग्राउंड है वो नेचर का है, डार्क ब्लैक एंड ब्राउन पोर्ट्रेयल ऑफ द वुमेन बिहाइंड द ट्री सीम टू बी रेस्ट मोड ऑल्सो कैच द आईज ऑफ द व्यूज। तो पीछे चूंकि डार्क थोड़ा बैकग्राउंड को किया हुआ है तो जिससे इन तीनों का फिगर थोड़ा अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये अमृता शेरगिल का जो मोटो था इस पेंटिंग को क्लिप ये करने का बनाने का वो बहुत ही आसान सब्जेक्ट पे बनाई हुई है। यार अमृता शेरगिल कंप्लीटेड दिस पेंटिंग विथ वेरी सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट मैटर एंड इज फिल्ड विथ वीक येट कंबाइनिंग द ऑर्डिनरी फीमेल्स विथ डेप्थ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिग्निटी एंड मैसिव पावर ऑफ देयर लिवलीहुड। तो कैसे महिला यार अपने मतलब अपने परिवार के सारे आजीविका चलाने के लिए कितना मेहनत करती हैं, ठीक है, और आत्मसम्मान उनमें कितना भरा होता है, ठीक है, सारी चीज को मैनेज करते हुए वो चीज दिखाया हुआ है उनकी मेहनत ये सारी चीज। अमृता शेरगिल के बारे में तुम्हें जान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई शॉर्ट नोट दे लिखने को आएगा ही। तो अमृता शेरगिल इज द ओनली पेंटर, ठीक है, इन द इंटायर सिलेबस जो कि आप लोगों को पढ़ना है तो अमृता शेरगिल वर्ड में जरूर जानो। अमृता शेरगिल वॉज बोर्न इन बुडापेस्ट हंगरी, हंगरी में इनका जन्म हुआ था। हर मदर वॉज अ हंगरियन एंड फादर बिलोंग टू एन इंडियन सिख फैमिली, ठीक है, समझ में आया, पापा सिख थे और हंगरी से थी इनकी मम्मी। अमृता वॉज अफेक्टेड विथ बोथ द कल्चर्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो अमृता शेरगिल के नेचर में दोनों माता पिता दोनों का प्रभाव समझ में आता था। पहले वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1918 में जो खत्म हुआ तो 1921 में ये इंडिया रिटर्न आ गई। अपने मम्मी के साथ में इन्होंने ट्रेवल किया फ्लोरेंस 1924 में, द होम सिटी ऑफ द रिनेसेंस इटली, वेयर शी इनरोल्ड इन द आर्ट स्कूल ऑफ सांता एनन्सिएट। तो ये याद मत रखो, मतलब वो 1924 में अपने मम्मी के साथ फिर अपने होम टाउन गई और वहां पर एक आर्ट स्कूल में दाखिला लिया। हाउएवर द सून फाउंड दैट द डेली रिलीजियस रूटीन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड रिजिड करिकुलम ऑफ द स्कूल सून फाउंड दैट द डेली ठीक है डिड नॉट सूट हर टेम्परामेंट। तो वही कुछ जीनियस लोगों को जैसे कि स्कूल का सब कुछ फॉर्मेलिटीज शायद पसंद नहीं आया क्योंकि वो लोग कुछ अलग हटके होते हैं, ठीक है, तो डेली रूटीन रिजिड करिकुलम ये चीज सब उनको पसंद नहीं आया। सो शी लेफ्ट द स्कूल एंड रिटर्न टू इंडिया विथ हर मदर बट हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट इन आर्ट शी टुक एडमिशन इन। तो वहां से तो अपनी मम्मी के साथ दोबारा रिटर्न आ गई इंडिया लेकिन आर्ट में उनका चूंकि बहुत डीप इंटरेस्ट था तो उन्होंने एडमिशन लिया फ्रेंड्स की आर्ट स्कूल में, ठीक है, जहां पे वो ऑयल पेंटिंग के बारे में सीखी। अमृता शेरगिल वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न पेंटर्स में से एक रही हैं और उनका जो पेंटिंग है उसमें फेमिनिस्टिक प्रभाव हमेशा ही दिखाई देता है। फेमिनिस्टिक मतलब कि तब तुम समझ गए कि मृदुलता जो अट्रैक्शन होता है मतलब फेमिनिज्म। हर पेंटिंग्स आर एन एमलगेमेशन ऑफ द वेरी वेरियस कल्चर्स इन विच शी वॉज नॉट इंस्पायर्ड बाई हर इंडो हंगेरियन अपब्रिंगिंग बट अ ग्लिम्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑल्सो हैज बीन सीन इन द पोर्ट्रेट। तो उनकी पेंटिंग्स में सिर्फ और सिर्फ मतलब
हंगरी का या फिर इंडिया का नहीं दिखता है, दोनों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड हर वर्क एज नेशनल आर्ट ट्रीटीज एंड ऑल्सो रिलीज द पोस्टेज स्टैम्प। ये इनके वर्क को इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज किया हुआ है और भारत में महत्ता मिली कि 1978 में एक पोस्टेज स्टैम्प इनके पेंटिंग, ठीक है, इनके पोंटिंग पेंटिंग पे निकल गया। वो पेंटिंग कौन सा था? तो हिल वुमेन का जो पेंटिंग था वो पोस्टेज स्टैम्प पे के रूप में, मतलब पोस्ट करते होते हैं इतना पता ही होगा कि एक स्टैम्प होता है तो उसमें कोई ना कोई एक थीम बेस्ड होता है, तो इनके थीम को जगह मिली, ठीक है, हिल पेंटिंग को जगह मिली। गवर्नमेंट ऑल्सो नेम्ड अ रोड इन लुटेंस दिल्ली ऑन हर नेम कॉल्ड अमृता शेरगिल मार्ग। तो गवर्नमेंट ने लुटेंस दिल्ली के एक रोड को भी इनके नाम पे रख दिया। तो इन चीज को फिर दोबारा बैक करके जरूर ध्यान में रख लेना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि अमृता शेरगिल पे फिर से आ जाए शॉर्ट फिल्म लिखने को। आओ मदर टेरेसा देखते हैं। तो मदर टेरेसा की पेंटिंग जो एम एफ हुसैन ने की है, तो मदर टेरेसा यार इनका फेस नहीं दिखाया हुआ है पेंटिंग में उन्होंने, ये मेन मेन चीजें हैं उसकी। व्हाइट कलर का साड़ी है और नीचे जो बाउंड्री है वो ब्लू कलर का है, तो वो तो हम सबको पता ही है, तो ये सिंपल चीज है। मदर टेरेसा के पेंटिंग के साथ में जो पेंटिंग में तीन पार्ट बनाए हुए हैं, तो सबसे लेफ्ट में मदर टेरेसा दिख रही है होल्डिंग अ चाइल्ड, एक चाइल्ड को हाथ में लिए हुए, और राइट साइड में, ठीक है, बीच में, और फिर उसके सबसे अलग साइड में और भी मतलब फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, और जो बीच में पार्टिंग किया हुआ है वो येलो कलर, येलो और थोड़ा ब्राउन कलर में, कलर के अनइवन पिलर से पार्टिंग किया हुआ है, एक दूसरे को अलग किया हुआ है। अलग जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, उनमें तीन फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो एक और उनमें भी किसी का भी फेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसमें जो एक महिला है उसके उसका जो व्हील है, ठीक है, उसका जो घूंघट है वो पसरा हुआ दिखाई दे रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, उसके लेफ्ट की तरफ पेंटिंग में, तो दाहिने तरफ होगा लेकिन उसके लेफ्ट की तरफ। और ओके, आई होप दीज थिंग्स विल हेल्प, दिस इज अ वेरी हार्ड थिंग फॉर मी ऑल्सो यार, कि अब तक मेरे को भी सारा कुछ अच्छे से याद नहीं हुआ। अच्छा, द वल्चर, कमलेश दत्त ने इसको पेंटिंग करा हुआ है, तो द वल्चर में को किस थीम पे ये क्या कमलेश दत्त ने करा हुआ है? आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड यार, मेंशन नॉट बट यू हैव नॉट यू हैवन टू। द वल्चर इसमें कमलेश दत्त ने, कमलेश दत्त यार तुम्हें बता दूं कि ये नए नए बहुत नए 2000 में इनका डेथ हुआ, साल 2000 में, नो नो साल 2000 में शायद ये, अच्छा 2000 में इनको ऑथर ऑफ मिलेनियम अवार्ड मिला, मतलब ये बहुत ही नए अपने अपने जमाने के पेंटर हैं। तो इसमें वल्चर एक दिखाया हुआ है, वल्चर इसलिए नाम है जो कि उनका एक गारमेंट, एक लेडी को थोड़ा फांसी से लटका हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे मशाल चल रही है। तो इन सब के इन सब में किस कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है तुम अपने थोड़े अंदाज से लिख सकते हो कि भूरा कलर आएगा ही, मशाल चल रही है तो पीला कलर आएगा ही, ठीक है। तो उसमें बहुत एक अट्रैक्टिव फिगर दिखाया हुआ है लेडी का, ठीक है, लेकिन वो हैंग कर रही है। तो ये चीज दिखाया हुआ है कि हमारे मेल पुरुष प्रधान फैमिली में, सॉरी पुरुष प्रधान सोसाइटी में कैसे फीमेल्स को दबा के रखा हुआ रखा जाता है, ये मशाल क्यों चल रहा है, फिर उसमें हैंगिंग क्यों है। तो इन्होंने जो थीम रखा हुआ है वो असली जीवन से डाउरी सिस्टम, ठीक है, दहेज प्रथा से मिले उत्पीड़न को दर्शा रहा है कि कैसे जब रेगुलर टॉर्चर्स होते हैं किसी फीमेल पे तो वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती है। नीचे मशाल दिखाई दे रहा है कि मरने की स्थिति
तक भी मतलब उनका शोषण, उनको ताना बाना देना, उनको टॉर्चर देना ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये वल्चर भी इन्हीं कुछ शोषणकर्ताओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब आता है वर्पूल। तो वर्पूल में सिंपली यार कि बहुत ही माइन्यूटली माइन्यूट कृष्णा रेड्डी फिर साउथ की थी, कृष्णा नदी से याद रख सकते हो कि वर्पूल जो पेंटिंग है वो भंवर को दिखा रही है, लेकिन उसमें मतलब वो इजी पेंटिंग नहीं है, उसके लिए बहुत ही डीप और माइन्यूट कलाकारी का स्किल चाहिए होगा। वर्लपूल एंड व्हाट मोर यार, दिस इज नॉट व्हाट वी कैन स्टडी यार, दैट इज वेरी बैड। वर्लपूल वर्लपूल तो भंवर में जो गोल गोल वर्लिंग मोशन होता है वो तो इनके में दिखाया हुआ है। न्यू डिस्कवर टेक्निक, ठीक है ठीक है। द पेंटिंग गिव्स एन इमेज ऑफ द फोर्थी, द आर्टिस्ट हैज यूज द शेड्स ऑफ द ब्लू ब्लू एंड ग्रीन टू इनहेंस द टेक्सचर ऑफ द डिपेंड्स, हाईली इमेजिनेटिव, सच पेंटिंग्स आर वेरी यूज्ड। दिस थिंग्स नॉट कुछ भी कहानी टाइप, ठीक है। तो लीव दिस, और मैं करने का तो कुछ और तुम आंसर दे लेना। अच्छा, चिल्ड्रेन सोमनाथ कोरे जिसको ये किया हुआ है, तो इसमें पांच फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो तीन फिगर्स हैं वो उनका हड्डी हड्डी तक दिखाई दे रहा है। तो माल न्यूट्रिशन कुपोषण को दिखाया जा रहा है इसमें, इस पेंटिंग में। और जो दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो भी उनके पास में ही है। तो सोमनाथ होरे ने इसमें ह्यूमन, जो खुद ही ह्यूमन की इज्जत नहीं करता, कदर नहीं करता, ठीक है, उन्हें को मतलब कुछ बहुत ही नीडी चीजों से दूर रखता है, उनका शोषण करते रहता है, ये चीज दिखाया हुआ है। एचिंग जो थीम है उसका यूज किया हुआ है इसमें, एचिंग टेक्निक का यूज किया हुआ है। और सबका जो फेस है, बड़ा बड़ा आंख है, तुम्हें पता ही है कि जब कोई माल कृष्ण का शिकार होता है तो कला तो चेहरा पतला हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी लगने लगती हैं, धसी धसी। देयर मदर इज स्टैंडिंग बिहाइंड देम इफ प्रोटेक्टिंग देम वेयरिंग अ नेकलेस, अनदर गर्ल चाइल्ड इक्वली इमेंसिएटेड इन एंड सोमनाथ होरे बैलेंट स्टारवेशन। ये अलग अलग दिया हुआ है यार, इस बुक में पढ़ा था तो पांच पेंटिंग कह रहा था। सॉरी, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ यार कि जो चिल्ड्रेन है उसमें सॉरी पांच, ठीक है, उसमें पांच के जगह पे सिर्फ तीन ही, ठीक है, करेक्ट करो, सिर्फ तीन ही जो चिल्ड्रेन है, उसके अलावा उनकी मदर है, ठीक है, दो मदर्स को दिखाया हुआ है। तो मदर उनके कंधे पे हाथ रखी हुई है, उनका पेट जो तीनों बच्चों का है वो मतलब बिल्कुल खाली बीच में दिखाई, ठीक है, धसा धसा दिखाई दे रहा है, चेहरे भी धसे हुए हैं और आंख बड़ा बड़ा निकल चुका है। तो ये टोटल उनके
इल नरिशमेंट को शो कर रहा है। फिर देवी, देवी पेंटिंग में जो तांत्रिक लोग हैं उनके ढकोसले वगैरह सबको थोड़ा प्रदर्शित किया हुआ है, ठीक है, तांत्रिक वगैरह ज्योति भट्ट ने पिक्चराइज किया हुआ है, जिसमें कुंडलिनी दिखाई दे रही है, ठीक है, लेडी की और यंग लेडी है, बट स्लाइटली ओरिजिनल कंसेप्ट मेल पावरिंग रिसाइड द ब्रेन टोल्ड हर्ट देवी और शक्ति द डेविएशन फ्रॉम द तांत्रिक कंसेप्ट में ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड। दीज आर नॉट वेरी ठीक ठीक ठाक यार, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यार इनमें से कोई भी आने वाला नहीं है वेरी अच्छा। ऑफ वॉल्स देखो, देवी यू लीव दैट, लीव दिस ऑल्सो। अच्छा ऑफ वॉल्स में फटाफट अपन लोग करते हैं, ऑफ वॉल्स इसमें इसके पेंटिंग में यार दिखाई दे रही है कि एक महिला है, ठीक है, जो कि अभी उसका पति मर चुका है, ठीक है, तो विडो विधवा विधवा का एक पिक्चर है मतलब। तो बैकग्राउंड में कुछ नेचुरल पेंटिंग्स की हुई है वॉल पे, एक साइड में बैठी हुई है, दो लेग्स दिखाई दे रहे हैं जो कि उसके पति पति के मरे हुए बॉडी मतलब बॉडी के आधा पार्ट को दिखाई दे रहा है बस, मतलब अब शॉर्ट में मैन वुमेन एंट्री इसमें कि दो मतलब तीन चीजें ही तीनों चीज जो मैन वुमेन, तो एक मैन है एक वुमेन है, ठीक है, पेंटिंग के इस साइड में पेंटिंग अगर ऐसे कर दिया जाए तो पेंटिंग के लेफ्ट साइड में वुमेन है, इधर इस साइड में यहाँ पे मैन बैठा हुआ है और पीछे ट्रीज हैं, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और विलेज एनवायरनमेंट को दिखाई दे रहा है, विलेज एनवायरनमेंट। अच्छा स्कल्पचर पे आते हैं, ये तो मूर्ति कला है, ट्रम्प ऑफ लेबर, तो ट्रम्प ऑफ लेबर मास्टरपीस है डीपी राज चौधरी के अपने कलाकारी का। द फोर फिगर्स, तो उसमें चार फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, इन द फर्स्ट ग्रुप आर परफेक्ट एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ द मेन इंगेज इन अ फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ लिफ्टिंग अ ह्यूज रॉक, तो एक बड़े से पत्थर को उठाने के बहुत ही मुश्किल काम में चारों लोग लगे हुए हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिगर ऑफ दिस ग्रुप इज इट्स यूनिवर्सल अपील एंड रेयर क्वालिटी ऑफ मोबिलिटी, तो इसकी जो सबसे बहुत खास चीज है इस पेंटिंग की, पेंटिंग नहीं है इस मूर्ति की, ठीक है, इस स्कल्पचर की, वो ये है कि इसमें यूनिवर्सल अपील ऑफ दिस ग्रुप इज इट्स यूनिवर्सल अपील एंड रेयर क्वालिटी ऑफ मोबिलिटी। तो मैं आई नो कि कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बस ओवरव्यू बस हल्का हल्का सबका लेते जाओ। अच्छा अच्छा फिर संथाल फैमिली राम किंकर वैज, संथाल फैमिली इसमें फैमिली को दर्शाया हुआ है, आदिवासी लोग, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो नेचुरल है, पेड़ पौधे हैं, छोटा बच्चा इन लोगों के साथ में चल रहा है, एक मेल है एक फीमेल है, एक बच्चे को गोद में तो ली हुई है और एक बच्चा पैदल ही चल रहा है बस। इसके बारे में मेरे बुक में तो दिस मच ही है। क्राइज अनहर्ड, ये इसमें तीन बच्चे हैं, ठीक है, सॉरी तीन बच्चे नहीं है हालांकि, मतलब तीन फिगर्स हैं इसमें और ऊपर की तरफ हाथ करके जैसे कुछ मांग रहे हों कि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो लोग कैसे शिकार होते हैं सोशल इनजस्टिस को, वही चीज दिखाई दे रहा है, कैसे उन्हें सोसाइटी एक्सप्लोइट करती है, शोषित करती है अपने फायदे के लिए, ये चीज दिखाई दे रहा है, और वो भी फंस करके रह जाते हैं, बस उनके सामने कोई एक ही सहारा होता है, तो बस ईश्वरी सहारा होता है जिसको डिपिक्ट किया जा रहा है।
ये पीवी जयराम की गणेश की मूर्ति है। इसमें गणेश जी के 6 हाथों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। नीचे के 2 हाथों से वो वीणा को बजा रहे हैं और बाकी के 4 हाथों में अलग अलग शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये गणेश की मूर्ति में, और चतुर्मुखी, चतुर्मुखी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके 4 साइड्स हैं, ठीक है इसके, और चारों साइड्स मतलब अलग अलग वुमेन के अलग अलग पीरियड को दिखाई दे रहे हैं। एक में बर्थ से लेकर के एडोलिसेंट वुमेन तक, ठीक है, बर्थ से लेकर के एक युवा युवती तक। फिर उसके बाद में दूसरा चीज कि उसके अविवाहित इसको दिखा रहा है, स्थिति को दिखा रहा है। और फिर तीसरा, फेसेड स्कल्पचर शोज द रिलेशन बिटवीन, तो तीसरा जो फेस है उसका मैन और वुमेन के रिलेशनशिप को दिखा रहा है। और फोर्थ फेस स्कल्पचर हैज बीन शोन ऑल फेमिनिन एस्पेक्ट, और फोर्थ फेस में जैसे कि फीमेल के सारे फेमिनिन एस्पेक्ट्स को, कोमल जो है कैरेक्टर्स को दिखाया हुआ है। तो दिस स्कल्पचर इज मेड ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, 3 फीट इन हाइट, रिप्रेजेंटिंग आइडियोलॉजी ऑफ द सिंपल स्टाइल पोएट्री स्टोन। तो लीव इट, लीव एवरीथिंग। तो देखो नीचे वाले चीजों को मैं खुद ही अच्छे से नहीं किया हूं, मेरे दिमाग में भी अच्छे से बैठा नहीं है, लेकिन अभी से पढ़ लूंगा हर एक चीज के बारे में। इसलिए तुम्हारे पास अगर नोट्स हैं, ठीक है, नहीं है तो नेट से खोज के अच्छे से कुछ ना कुछ पढ़ लो, पॉइंट्स वाइज पढ़ो तो अच्छा है, ठीक है। तो मॉडर्न टेंस में आते क्या है, मैं बताता हूं। जो आते हैं इनमें से किसी ना किसी एक राइटर के बारे में ही, किसी ना किसी पेंटर के बारे में पूछ देगा, ठीक है, जिसमें अमृता शेरगिल मेरा अनुमान है कि पक्का ही पक्का आएगा। और इस बार इनके अलावा जो आ सकता है वो मेरे को लगता है एक यार बहुत ही, जिनको तीनों चीज पद्म विभूषण भूषण सब कुछ मिला हुआ है, वो कौन है? हाँ वो एम एफ हुसैन। हाँ, यस, एम एफ हुसैन ही है, ठीक है। तो एम एफ हुसैन को तीनों चीज मिला हुआ है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। मदर टेरेसा का इन्होंने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ था, तो मेरे को लगता है कि इस पे शॉर्ट नोट लिखने को जरूर आएगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट नोट लिखने को ही आएगा, तो इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। मतलब 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन सैंपल पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो तुम्हें शुरुआत तो कुछ पसंद आया होगा, लास्ट वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा शायद, पिछले पहले वाले वीडियो में ज्यादा बातें ही थी, सेकेंड थर्ड में कुछ कम बातें हुई थी तो थोड़ा ठीक कंटेंट था, और लास्ट वाले में तो सब कुछ अच्छा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन यही है कि अपन लोगों ने 6 मार्क्स के तो पक्के ही पक्के कर लिए हैं। लास्ट में तुम्हें 4 मार्क्स स्कोर करने के लिए मैंने थोड़ा आइडिया बता दिया, तुम्हें मेहनत करनी होगी, ठीक है। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ठीक है कुछ कहना हो तो कमेंट करना, मैं इंटरवल्स पे देख लूंगा, ठीक है। हाँ चूंकि ये काम नहीं कर पाया हूं तो तुम्हें मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, तुम खुद से करो, ओके। मुझे भी पढ़ने हैं यार, तो तब तक के लिए बाय।